सत श्री अकाल नमस्कार आदाब दर्शकों, मैं तुहाडा गुरलाल हाजर। तुसी देख रहे हो जस टीवी, हक सच ते आवाम दी आवाज़। मैं तुहाडे रूबरू हाँ ओपन प्लेटफॉर्म प्रोग्राम लैके जस पंजाबी दे मंच तो। दर्शकों अजकल जिहड़ा चल रहा 1984 दा, आपां करीब करीब तुसी सोशल मीडिया ते बहुत कुछ देख रहे हो, आपां ओह गल्लां करदे हां। ते अगेन अपना जिदा पहला फुलका साहब ने प्रोग्राम किया सी ना कि वो वक्त भी देखा है, इतिहास की घड़ियों ने जब पलों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आप गल हूँ बार बार करके हरेक चैनल कर रहे, आप गल मुद्दों की करते जी। सोशल मीडिया से मैनू टिप्पणियां आईया सगियां बेमौसमी बारिश तो गड़े पूरे उत्तर भारत के पहला थोड़े दिन होए पे, पर हूँ फिर काफ़ी कितने ना कि थोड़ी थोड़ी पॉकेट्स के लगातार जारी है। लगातार जे आप गवर्नमेंट की गल करिए तो उन्होंने 15,000 पर एकड़ देण दा ऐलान किया सीगा। उस तो बाद गिदावरियां होईयां, दित्ता नहीं दित्ता, रलमी मिलमी जी प्रतिक्रिया आ रही है। फिर उस तो बाद जिहड़ी है भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल, उन्हां दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुंदी है, तो उहदे विच कई चीज़ां नवीआं आईआं कि आ जिहड़ी नवीं सरकार है इन्होंने एक क्राइटीरिया हुंदा कि इह फोर टाइम्स जेडे फोर कैटागोरीज है वो जोड़ा है वह दिता जाता है मुआवजा, वह कट के तीन च करता। पहला होंगे होगा 25-25, हूँ मैं लगता 33-33 के तीन इदा करते हैं डूंगाई ना, वह भी समझा आप भी वह की है तो वाकई मिले भी। तो उस तो बाद आप गल करिए कि जेडे मुआवजे दे अपने क्राइटीरिया वह की मिथे गए थे, तो कि वाकई वह एक गल होर निकल के आई जे टोटल सेंट्रल गौरमेंट का जोड़ा अन्न का भंडार है वो 2.5 लाख टन जोड़ा अनाज जमा होना चाहिए है। फ्यूचर के कोई महामारी आ जाए या कि जो भी है वो पता लग्या कि 1,70,000 टन ही हैगा है वह अगे की आ सारिया दे तुहाडे जिहड़े सोशल मीडिया से मैनू आए थे कि ये उत्ते जरूर चर्चा करो कि जमीनी हकीकत जोड़े है वह मुआवजे लोगों तक पहुँच गया, हुण की हालात ने, होर बहुत गल्लां ने। अपने नंबड़े मुअज्जज मेहमान बने हुए ने भारतीय किसान यूनियन के प्रेजिडेंट राज्यवाल के सरदार बलबीर सिंह राज्यवाल। राज्यवाल साहब बहुत बहुत स्वागत जी, तुहाडा जस पंजाबी दे मंच ते। वाहिगुरू खालसा फतेह जी, बहुत वधिया कीता सर, बड़े शुक्रगुजार है अर्ली मॉर्निंग तुसीं टाइम कढ़िया साडे लई। सर सारे तो पहला तो जिहड़ी वड्डी गल तुहाडी सोशल मीडिया के उत्ते ही सीगा कि आ जिहड़ा क्राइटेरिया चारां दी जगह तीन करते हो, पहला लोगों नूं समझाओ है की चीज़ वो मुआवजा देण दी जिथों तक गल आउंदी है। इस तरह की बड़े लंबे समय तो एक तय होया है असूल है, भारत सरकार का पैसा हुंदा, पंजाब सरकार तो हुण कुछ पिछले 8-10 साल तो कंट्रीब्यूट कर लगी है थोड़ा बहुत वो क्योंकि जिन्ना नॉर्म्स ने जिहड़े इस वेले 12,000 भारत सरकार का हुंदा, 3,000 पंजाब सरकार अपने कोलों दिंदी है, वह हर वेले जमा रहिंदा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे कोल। उहदियां स्लैब्स हुंदियां 25% तक कोई मुआवजा नहीं, जे 25 तों 50% लॉस होवे फिर उहदे भी मुआवजा हुंदा, 50 तों 75 तक होर वध हुंदा, 100% 75 तों उत्ते 100% का फिर 12,000 सेंटर का 3,000 इन्हों का 15,000 रुपया मुआवजा हुंदा। पर इस सरकार ने की कीता, इन्होंने उहदियां स्लैब्स बदल के 4 दी बजाय 3 करतियां। पहली स्लैब 25 तों वधा के 33% तक कुछ नहीं देना, 33% ते फिर 50% लै गए, 50% तों फिर 75 ते 100% लै गए। और जदों गिरदावरी हुई सब तो माड़ा काम यह किया भी वर्बली हदायतां करतियां स्टाफ नूं भी कोशिश करनी है 33% ते हेठां ही लिखना जे कंपनसेशन देना तक देना ही ना पवे कंपनसेशन। ये हर पासे शिकायत आई, पटवारियों ने जिहड़ा रौला बड़ा पाया सीगा जी खेत जाके गिरदावरी लोगों का कट करके करेंगे, किते इस तरह गिरदावरी नहीं हुई, सब ने अपने दफ्तरां च बह के कीतियां। एक ये गिरदावरी जदों करदे आ पटवारी कंपनसेशन वास्ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जिहड़ा ADO है वह नाल होना जरूरी हुंदा, ना तो इन्हां कोल ADO पूरे ने, उहदियां पोस्टां कोई मोर दैन 60% पोस्टां खाली ने। यही हाल पटवारियों का, पटवारियों दी तो 75% पोस्टां खाली ने, एक एक पटवारी कोल 4-4 पटवार हल्के ने, एक पटवार हल्के च 2-2 3-3 पिंड ने, ते किवें एक पटवारी 3 पिंडां दी गिरदावरी विद इन वीक कर सकता है जिस जिहड़ा तरीका इन्होंने इख्तियार किया। तो यह सारा कागजां दा घर पूरा किया बैठ के दफ्तरां च, लोगों को किसी ने नहीं पूछा, पर जो भी होया बावजूद भी सरकार खरी नहीं उतरी।
इन्होंने कुछ अपने चहेतिया तो किसी को देता हो देता हूँ मुआवजा, बाकी तो लोग उड़ीक रहे हैं, हाले तक किसी कोई धेला नहीं मिले। तो तुसी गल की जी गिरदावरी की भी वह प्रॉपर नहीं हुई, वह गल मनी, पर उस तो बाद जो तुसी आवाज़ चक्की है उस तो बाद भी कोई, क्योंकि कितने कितने नुकसान थोड़ा बहुत हुण भी हो रहा, पर जो इनिशियल पहला नुकसान होया सी उहदे उत्ते कोई सुधार आया देखने को मिले तुहानू? इस वेले तो हुण कोई फसल ही नहीं है जिहदा नुकसान होवे, हुण तां अगली फसल की बिजाई जिहड़ी आ हुण शुरू होगी, झोना इन्होंने स्टैगर करती उहदी झोने की लुआई भी, चलो वो तो अच्छा कदम चुकया इन्होंने, तीन चार हिस्सों च करता पंजाब नूं वंडता, कि 10 तरीक तो शुरू होनी है, कि 15 तो शुरू होनी है, कि 20 तो शुरू होनी है, अलग अलग जोनस बनाते वो मुताबिक होनी है। इस वेले नुकसान होने वाली कोई फसल है नहीं मार्केट, जो सब्जियां ने और कोई है नहीं, इस वेले बारिश जिहड़ी हुंदी है ठीक ठीक हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई नहीं, हो तकरीबन हर दूजे तीजे दिन जाती है, गर्मी इन्नी पई नहीं जिनी अगे गर्मी पैंदी हुंदी है, इस वारी तां हले लोगों नूं एसी भी नहीं चलाउण दी लोड़ महसूस हुंदी, रात नूं ठंड हो जाती है, तो इदां दी कोई नुकसान वाली इस वेले कोई गल नहीं है जी। राजेवाल साहब आप फिर इन्हों सबजैक्ट आवेंगे, मैं आह क्वेश्चन थोड़े तो पूछ रहा कि तुम काफ़ी इंडिया दे विच भी यूनो कई पोस्टा तो रहे हो, पंजाब दे विच भी होर भी, तो तुम एक मैनशन किया कि सेंट्रल गौरमेंट को जो अन्न का भंडार है 270,000 क्वेंटल या 2.5 लाख टन 2.5 लाख टन होना चाहिए, पर इस टाइम है 1.5 लाख ला रहे हो, सरकार नूं चाहिए 250 लाख टन, हाँ 2.5 लाख टन चाहिए, पर हुण हैगा 170 लाख टन, ते ओदा फिर इस टाइम की सिचुएशन है, उहनूं रिस्टोर करन दा की प्रोसेस हुंदा है? नहीं, इहदे विच कुछ पिछला जिहड़ा कैरी ओवर कर लिया, पिछला स्टॉक हाले पिया सी, फिलहाल असीं एन मार्जिन उत्ते खड़े हां, ते सरकार ने पाबंदियां लाईआं ने, कुछ एक्सपोर्ट बैन कीती है, कुछ इन्होंने स्टॉक लिमिट्स की भी सोच रहे हैं, भी नियत कर देंगे प्राइवेट प्लेयर की, ऐतक प्राइवेट प्लेयर ने घट खरीदी है, क्योंकि पिछली बारी इन्होंने एक्सपोर्ट करके एकदम एक्सपोर्ट बंद करती, असल च अडानी नूं फायदा पहुँचाना हुंदा, अडानी जदों एक्सपोर्ट कर चुका उहदी लास्ट कंसाइनमेंट चली गई, उहदे बाद फिर इन्होंने एकदम एक्सपोर्ट बैन करती, इस बारी प्राइवेट प्लेयर ने खरीदी नहीं है ज़्यादा कणक, जिहड़ी भी है गवर्नमेंट दे कोल ही है, या थोड़ी बहुत अडानिया ने खरीदी है, होर किसी ने खरीदी नहीं। सर जे मान लो जे यह जिहड़ी सेंट्रल गौरमेंट है जिहड़ा अनाज है स्टोर तां करके रखदी भी कोई महामारी फैल जाए या कोई इदां दी गल आ जाए ताकि असीं आपदे जिहड़े नागरिक है उन्हां नूं फीड कर सकीए, जे जे इन्ना 1 लाख टन का जे अप्रोक्सीमेटली जे इन्ना मार्जन हैगा आ, मान लो कोई इदा दाणा वरत जाता है तो फिर गौरमेंट कोई प्लान बी हों कि उस चीज़ की भरपाई करी जा सके? एक गल समझो कि साढ़े देश इतने हिंदुस्तान की स्थिति की है, अज भी साढ़े कोई 40 तो 45 करोड़ लोग ऐसे ने जिन्हों की परचेसिंग पावर जीरो है, उन्होंने आटा दाल स्कीम इन्होंने देना ही देना होंगे, 5 किलो कणक 5 किलो चौल 10 किलो कणक जो जिन्ना नॉर्म्स इन्होंने तय करते हैं हर बारी, वह इन्होंने देना ही देना, उन्होंने बेचारे को कुछ है नहीं, वो ही खा के वह गुजारा करते हैं, हाले भी बहुत वड्डी गिनती आबादी की ऐसी है जिहड़ी एक डंग रोटी खा के गुजारा करती है, इस देश में ऐसी स्थिति है, तो उसके वास्ते जिहड़ा सेंट्रल पूल स्टॉक होना तो लाजमी है जी, जे ना होएगा फिर एक नवी समस्या खड़ी हो जाएगी, लोग मरणगे, तो वो तो इन्होंने रखना होंगे, और ईवन ये तो भी बिना प्राइसिस कंट्रोल च रखने वास्ते भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टॉक जो जरूरी होंगे, जो मार्केट कीमत बदल लगती हैं फिर ये सेंट्रल पूल चो रिलीज़ कर देंगे स्टॉक कीमत कंट्रोल करने वास्ते, इस करके जो सेंट्रल पूल दैट इज़ ए मस्ट। जी 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 राजेवाल साहब अपन इत्थे आ क्वेश्चन छड़ दिंदे हुण, एक जिहड़ा तुसीं मंग होर भी कीती सीगी जिहड़ी कि तुसीं कहा सी जिहड़े हालात बन गए ने फसल दे नुकसान होए ने उहदे कुछ क लोन सरकार ने जिहड़े डिफर कीते, पर तुसीं चाहुंदे वी हर चाहे उह कॉरपोरेट सोसाइटी दा होवे किसे बैंक दा होवे किदां 3 सालां लई डिफर कीते जाण, कि उह मंग तुहाडी पहलां तां उहदे बारे विस्तार नाल दस्सो तां कि उह मन्नी है सरकार ने अगे की प्लान है उस चीज़ का?
नहीं वो वो हाले उदा हवा च रहेगी। इन्होंने ऐलान जरूर किया इंप्लीमेंटेशन हुई नहीं उसकी वजह यह हुई भाई जिस तरह जो बारिश हुई है उदों ये लगता सी भी बहुत वड्डी पद्धर ते नुकसान होएगा कणकां बिच गईआं सी पर पता नहीं कुदरत ने इस बारी बिल्कुल अजीब वर्तारा होया भी झाड़ बहुत अच्छा निकलिया फिर भी बेटा बारिश के बावजूद झाड़ अच्छा हो गया फिर उसके बाद वसूली होने लग पी किसान देखो एवं तो पैसे रोकता नहीं जो उसके कोल हो पैसे वो दिंदा है तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होया करजे का जिहड़ा सीगा माफ़ी करन दा इन्होंने वसूलियां बकायदा रेगूलर हो रही हैं तो वह स्कीम उत्थे बचाले ही रह गई। मैं एक होर बेनती करा अज का एक जो इशू जो मैं नवी एजुटेशन कर जा रहा पानी का इशू है पंजाब तो डुब चलिया मैं जो मैं इजाजत दो तो मैं ये कुछ गल कर सकता। चलो गल फिर उत्थे आ जानियां जे आपां दोबारा उस मुद्दे ते चलिए जे गल करिए राजेवाल साहब जिहड़ी जे गल कीती सी कि 3 सालां लई जिहड़े डिफर कीते जाण पर सो फार तुसीं सारा दिन लोकां च विचरदे हो हालात की है लोक जिहड़े नुकसान होया सी जो झटका लगा सी उहदे विच जिहड़ियां उहनां दी इंस्टॉलमेंट है उह देण दे योग हैगे हले दे रहे हो दे रहे ने उह तां जिस तरहां एज़ यूजुअल अग्गे हुंदा इधर उधरों फड़ तुड़ के पैसे दिंदे ने पर सरकार वालों प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जा रहा। सरकार ने ऐलान जरूर करता पर प्रैक्टिकली उन्होंने इंप्लीमेंट कितने नहीं किया। सारा जिहड़ा लोन और रिकवरी चल रही है इस वेले रिकवरी का सीजन है इस वेले चल रही है और रिकवरी। तो राजेवाल साहब एक गल दसो कि जिहड़ा तुसी गल कीते सी कि असी पंजाब दी जिहड़ी है ना इंश्योरेंस पॉलिसी आ उह कामयाब भी नहीं हुई इंश्योरेंस पॉलिसी जिहड़ी जिहड़ी किसानां वास्ते हुंदी है तो पहला तो थोड़ा जिहा दसो भी वह आई कित्थों सीगी ते हुण आउण वाले समें दे विच उह जे इंप्लीमेंट करदे ते कि की तुसीं उहदे विच मंग रखोगे जे इंश्योरेंस पॉलिसी हुंदी है तां। देखो इंश्योरेंस पॉलिसी दे विच बड़ा वड्डा एक लैकुन है जिहदे ते असीं अड़े सी जिहदे करके अज तक पंजाब च इंप्लीमेंट नहीं हुई। मैं समझदा पंजाब कल्ला बचिया बाकी सारे देश विच दुहाई पई है उहदे खिलाफ और वो कोई किसी को पुछता नहीं जमीन जी दे नौ उहदे खाते दे विच ऑटोमैटिकली पैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा कंपनियां नूं उहदे विच लैकुना यह है। पहला जदों पॉलिसी आई उदों उन्होंने एक ब्लॉक नूं यूनिट मन्निया ब्लॉक दे विचों जे मोर दैन 40% नुकसान होएगा फिर कंपनसेशन वास्ते कार्रवाई शुरू होएगी। उहदे ते असीं जदों रौला पाया भी ब्लॉक तां 100 पिंड हुंदा है किसे 200 पिंड है ते उहदे विच जो गड़ेमारी होंगी है वो तो एक बटना बट चढ़ जाता है तुम इस तरह का क्यों लिया हो फिर उसके बाद उन्होंने अमेंड किया हूँ लिया इनू पिंड नू एक पिंड यूनिट बना दिता। एक बार मैं याद है प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर सी उसके बाद उन्होंने प्रैशर पिया सेंटर तो भी तुम इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते। सेंटर तो एक टीम आ गई चीफ मिनिस्टर ने कहता उस टीम को साढ़े इस बंदे की तसली करा दो तो लागू कर देंगे नहीं नहीं करना सारा दिन साड़ी बहस होंदी रही वो मेरी तसली नहीं करा सके वो पिछे नहीं हटे पिंड नूं यूनिट तो हेठा आने नूं तैयार नहीं। मेरा कहना सी भी जब तुसीं हर एकड़ का मेरे को प्रीमियम लेना है तो एकड़ नूं यूनिट क्यों नहीं मनते मेरा मैं प्रीमियम दिता है मैं एक एकड़ का प्रीमियम दिता मैं जो उहदा नुकसान हो गया तो मुआवजा क्यों नहीं देंदे। तो फिर मैं उन्होंने ये भी सवाल किया उदाहरण के तौर पर मैंने दसो तुम कारा का ट्रकों का बसों का इंश्योरेंस कर दौ कद सोचा भी 100 बस फुटू तो फिर उन्होंने कवर करोगे या 100 कार का एक्सीडेंट हो कवर करोगे। मैं एक तुहाडा एक गाहक हाँ मैं अपना हर एकड़ तुहाडे कोल इंश्योर करा लिया उहदा तुहानू देता प्रीमियम ते मैनू एक यूनिट मन के मेरे एकड़ नू यूनिट मन के क्यों नहीं दिंदे ओ इहदे ते मन्ने नहीं ते साडी सहमति नहीं होई। अज सारे देश विच इक समान पिया अरबां खरबां रुपया इंश्योरेंस कंपनी वाले कमा गए कंपनसेशन किसी नू दे नहीं रहे ये ओपन सीक्रेट है पंजाब बचिया जिथे हाले लागू नहीं होया। राजवर साहब वह उतों कंटिन्यू करो जिते इंश्योरेंस पॉलिसी की गल करते उ एक मुद्दा उठाया सीगा तुसी मैनशन किया कि मान लो कोई रब ना करे कोई इदा की गल हो जाती जिते इंश्योरेंस की जरूरत पैंती है तो लोकल पंजाब इंश्योरेंस कंपनियों का कोई बंदा ही है नहीं कोई ऑफिस ही है नहीं ऑनलाइन सारी ट्रांसफर मनी की इंस्टॉलमेंट जी हो जाती जिते भी होंगी है तो मुड़ के फिर कोई वाली वारस नहीं हूँ वो बारे गल करो जी जो कोई सुधार है तो दसो उस चीज़ जिहड़े लोगों ने बैंकों तो कमर्शियल बैंकों तो कोऑपरेटिव तो नहीं
कमर्शियल बैंकों तो लोन लए हुए है, कमर्शियल बैंक वाले धक्के क्रॉप इंश्योरेंस कर देंगे है, और किसी इंश्योरेंस कंपनी का इतने पंजाब दफ्तर है नहीं, उन्होंने बॉम्बे दफ्तर ने कट के पैसे ऑनलाइन सीधा उन्होंने ट्रांसफर कर देंगे। जे किसी का नुकसान हो जाए ना, उन्होंने इतने कोई स्टाफ है ना उन्होंने इतने कोई दफ्तर है जो उन्होंने कोई गाइड कर सके, किसान कोई एप्लीकेशन ले सके, कोई कंप्लेट ले सके, इदा का कुछ नहीं है। सिर्फ एक तरह का मैं समझदा, मैं टेकअप किया टैक्स लाता किसानों के उत्ते नवा होर जिदा इंश्योरेंस कंपनी तो कमाई होगी, किसान कोई लाभ नहीं, तो इस तरह चल रहा हाले भी हो। राजेवाल साहब मैं एक गल क्लीयर कर देनी चाहना थोड़े नाल, मैं पिछले हफ्ते इंटरव्यू किया राजस्थान के किसान नेता ने संतबीर सिंह जी मौनपुरा, तो उन्हों की जी मीटिंग हुई सी बठिंडे दे विच, बड़ा पंजाब दे मीडिया हाउस सारे सत्कारयोग ने, तुसी सारे लोग आने हो, और पहला मैं क्लीयर करदा कि असी इस मंच तो तुसी सारे प्रोग्राम देख लो साडे जस पंजाबी दे जिन्ने भी होर भी हुंदे, असी लोग तो कहिंदे 20 सालां दा पाणी है, पर जो हालात चल रहे 10-15 सालां दी गेम रह गई, इदू ज़्यादा नहीं है। फूलका साहब आए सी, मैं उन्होंने प्रोग्राम किया सीगा, अवतार सिंह ढीं हाँ जी भी वो गुड ग्रो फार्म वाले असं उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं, असं बार बार पिट रहे हैं भी पानी बचाओ पानी है। रही गल राजस्थान की, सर उन्होंने क्लीयर किया कि असी एक्सट्रा कोई पानी नहीं मंगया, 24% हक है उन्होंने भाखड़ा दे विच जिहदा मुआवजा देंदे है, वह भाखड़ा इंदिरा गांधी नहर जिन्हों राजस्थान कैनाल वो निकलती है, हुण की है कि वह राजस्थान कैनाल का काम चल रहा, उन्होंने बंदी ली हुई है उत्थे मुरम्मत का काम चल रहा, वो जिहड़ा भाखड़ा का 24% पानी उन्होंने कहा कि सानू सीधा भाखड़ा च छड़ दिओ, सिर्फ भाखड़ा नहर जी पंजाब दे विच आ, सिर्फ भांडा यूज करन कहा सी 24%, उहदे उत्ते भगवंत मान ने जिहड़े सीएम साहब ने यह कहा कि पहलां असीं आपदे जिले जिथे नहरी पानी असीं उन्हां नूं दवांगे, उस तो बाद जे वध गया उस तो बाद जो तो पीरियड खत्म हो गया उदो तुसी साडा भांडा यूज कर लियो तो लै जाओ, आ गल हुई सी, अगेन तुसी इलैबरेट कर दोगे। गुमराह कर रहे ने, देखो उन्होंने बड़ा मेरे ते मैं प्रेशराइज करने की कोशिश की भी असी सानू थोड़े दिन 1250 क्यूसिक पानी दे दो, तो मैं क्या साढ़े अपने को नहीं, अभी थोड़ा कितों दईए, साढ़े तो इतने बंदी लगी हुई है 100 क्यूसिक पानी देंगे ने सिर्फ पीण लई, भाई साढ़े जिहड़े बाग ने फाजिलका दे सारे सुक गए, पंजाब सारे च बंदी है, सूहां नूं पक्के कर रहे ने, नहरां नूं पक्कियां कर रहे ने, टोटल पंजाब च कितें पानी नहीं आ रहा, और झूठ बोल रहे ने। मेरे को एक इस वेले होया साढ़े एजुटेशन का असर यह होया भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मशीनां लाती, डेली डाटा तैयार किया जा रहा किन्ना पानी राजस्थान में जा रहा किन्ना पंजाब में जा रहा, मेरे को हर रोज़ रिपोर्ट आती है जिहड़ियां नहरां दे विच जिहड़ी इंदिरा कैनाल है तो एक RD 45 तो नहर जाती है राजस्थान में, उन्होंने 2600 to 2800 क्यूसिक पानी रोज़ का जा रहा है, जबकि 1500 जाना चाहिए, बाकी फालतू जा रहा है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है सर, देखो तुसी जो कह रहे आपां मान लैने, पर ग्राउंड रिपोर्ट यह है जिहड़ा भाखड़ा दा एरिया उत्थे, पहला मैं तुहानूं दसदा कि पहला तां थोड़ा जिहा बीकानेर दा जिला उरला पासा, बाकी दो वड्डे जिले आ गंगानगर हनुमानगढ़, 60 to 70% पंजाबी रहिंदे, पर एक जिला होर बन गया अनूपगढ़ उत्थे। राजेवाल साहब वो जिहड़ा भाखड़ा दा उत्थे डिग्गियां च पहला नहर चो खाले थानी डिग्गिया च पैंदा, डिग्गिया चो फिर आरओ लाउंदे आ, वो वाटर वर्क्स नूं चुणाउंदे आ सीधा तुसी ला के, तो फिर वो डिग्गिया च भी पानी खत्म होया, जिहदी वो गल कर रहे सी कि पहला डिग्गिया भर लीए तो असी सिर्फ भांडा यूज करना, अगेन तुसी दसो वी। मेरा एक बुनियादी सवाल है, पहला सब तो यह देखा जे पानी का मालक कौन है, जे उहदे कोल सरप्लस है तां पानी वो देण बारे सोचू, दवांगे पर दवांगे ऐसिआं नाल, हुण ये झूठ बोलते हैं 1995 के बाद टोटल पंजाब नूं पैसे देने बंद किए हुए ने, एक पैसा नहीं आ रहा, रौला असैम्बली च भी पै लिया, कोई हुण पंजाब सरकार क्लेम भी नहीं करती असैम्बली च भी रौला पै लिया, इन्हां दी सरकार वेले भी रौला पै लिया, कोई बिल भी नहीं बना के भेजता इन्हां नूं, और झूठ बोलते हैं गुमराह कर रहे हैं। असल की है भी उत्थे जिहड़े MP नाल मीटिंग की है उन्होंने अगली बारी आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर कैंडीडेट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उहदे उत्थे रौला पिया, उत्थे लोगों ने जिदन 21 तारीख में इन्हें पानी की मीटिंग की है हनुमानगढ़ में, लोगों ने पटाके चलाए, खुशियां मनाईयां, कहा असी कांग्रेस तो की लेना है, असी तो देखो जी जिन्हें सानू पानी लिया था असी तो ये गुण गावांगे, ग्राउंड रियलिटी कुछ होर है, कहण नूं कुछ होर है, असी जिहड़ा पंजाब राजस्थान नूं पानी जांदा जो उहदा नहीं विरोध करते, असी कहिंदे जिहड़ा सानू बणदा साडे बंदी है,
सानू क्यों नहीं दिंदे, वो उन्होंने क्यों दे रहे हो? और अज तो हम रिकॉर्ड है 1500 क्यूसिक जाना है, जाना 2800। मैं कली कली रहा था, मेरे मौनपुरा साहब नूं भी ले आवांगे, तुहानूं भी आपां डिबेट कर लांगे, तुसीं दस्सिओ वी कित्थे ओह गलत ने। डेफिनेटली मैं तुहाडी गल नूं वी डिनाई नहीं कर रहा, पर मैं इन्ना जरूर है इन्नी ग्राउंड रियलिटी में जाऊंगा कि डिग्गियां च पाणी करदे कहिंदे सी तेरे तरां मूहरे धरना मार देणा आ के, ओह धरनियां दी गल करदे ने, धरनियां दी आपां गल छड्डदी इक बार जवाल साहब, पंजाब नूं डराउंदे ने। चलो आपां धरने दी गल छड्ड दी, आपां मैं मौनपुरा साहब नूं ले आवांगे, आपां डिबेट कर लांगे, देख लांगे अगेन। एनीवे आपां छड्ड के तुहाडी जो तुसीं कह रहे हो मैं मान लिया, पर मैं ग्राउंड रियलिटी ना जाणूंगा, उत्थे वाकई डिग्गियां च पाणी खत्म होया पीण वास्ते। अगेन आपां अपने को मुद्दे होर बहुत विचारने आणे आ, तुहाडी तुसीं वी कित्थे जाणा है, आपां नूं इक दस्सो पंजाब जिहदे कोल अपने कोल पाणी है नहीं, तुहाडा अपना पाणी मुक्क गया, धरती हेठला पाणी मुक्क गया, दरियावां दा पानी दूजियां स्टेटां नूं दे रहे ने। और अज लेटेस्ट एक स्थिति शायद तुहाडे नोटिस च नहीं, ये हुण इत्थे अखबारां विच चर्चा शुरू हुई है, भारत सरकार ने अंदर खाते एक स्कीम बनाई है, हरियाणा ते हिमाचल दे चीफ मिनिस्टर दी दो मीटिंगां हो चुकियां, और SYL दा रूट बदल के पंजाब दे बाहरों बाहर पानी हरियाणा नूं देना चाहुंदे ने। मेरा सुप्रीम कोर्ट नूं सवाल यही सी बई पानी ऑलरेडी फालतू ले रहा, जिन्ना उन्हें चाहिए 40% चाहिए 60% ले रहा, जमना का गिर नहीं रहे, फिर वो तो SYL का दे बस। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, SYL ਦਾ ਰੇਟ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-12 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ MSP ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪਾਇਓ, ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਯੇ ਵੋ, ਉਹ NRI ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਨ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 2020 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ UP ਤੋਂ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ MSP ਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ MSP ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਨਰਮਾ, ਗੰਨਾ, ਚਾਰੇ ਮੇਨ ਕਰੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ MSP 'ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ, ਦਾਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਫਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਨੈਫਡ ਨੂੰ, ਨੈਫਡ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਫਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਈਏ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਏਰੀਏ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦੂਗਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂ, ਇਹ ਓਫੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਸੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, 680 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ,
टेंट खड़े सके, सानू फिक्र सी भी जे ये भी चले गए तो अंदोलन फिजल आउट हो जाऊ, पर प्रैशर समझ लो भी सारी दुनिया का प्रैशर सीगा। सरकार ने तिने कानून वापस ले ले, असी इस गल ते अड़ गए भी सरकार का कोई पता नहीं मुकर जाए, तुसी पहला पार्लीमेंट का सैशन बुलाओ और रिपील करो, उन्होंने रिपील करते। फिर असी उत्थों जदों उठे उस वेले उन्होंने सानू एक चिट्ठी लिखी भी एम एस पी ते असी कमेटी बनावांगे। एम एस पी ते कमेटी जिहड़ी बनाई ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੀ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ, ਇਹ ਓਫੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਹਰ ਕਰੋਪ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਓਫੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਕੱਲਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੋਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣੀ। ਚਲੋ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਲੱਕ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਸੀ ਕੁਇਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਟਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਡੇਟਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ,
ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਭਾਵ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾ। ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ NRIs ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਲਸੈਟ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ ਲਿਆ ਤਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿਉ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੜ ਲਿਆ ਤਾ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਕਮਲੇ ਕਰਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।